अब बात गुजरात के सूरत की, जहां सूरत के पारेसरा इलाके में एक केमिकल गोदाम में अचानक आग लग गई। दमकल की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया। तकरीबन 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अगर पूरा गोदाम केमिकल से भरा हुआ था, इसीलिए आग ने पूरी इमारत को जलाकर खाक कर दिया। तो सूरत की केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है और आग का तांडव किस तरह से मचा हुआ है इन तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं। चूंकि केमिकल फैक्ट्री थी और ऐसे में आग जो थी वो देखते ही देखते इतना विकराल रूप ले गई कि पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। एक दो नहीं बल्कि 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। सूरत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग केमिकल फैक्ट्री में लगी है और आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि आग आखिर कैसे लगी, किसकी लापरवाही या फिर कोई ऐसी घटना जो कि इस आग की वजह बनी हो। आग के तांडव की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तकरीबन 12 दमकल की जो गाड़ियां थी वो आग बुझाने में लगी रहीं। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी लेकिन आखिरकार पूरी जो बिल्डिंग थी वो ध्वस्त हो गई।